बड़े शहर के तर्ज में गोड्डा में भी लाइब्रेरी का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, जो बड़े शहर में जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, या जो 10th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लाइब्रेरी जाया करते थे। और अब गोड्डा में आपको बता दें कि दर्जनों लाइब्रेरी खुल चुके हैं। इसी क्रम में एक नई लाइब्रेरी की भी शुरुआत यहाँ पर हुई है। आपको बता दें, गोड्डा के राजेंद्र नगर में AVS नाम करके एक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है, और यहाँ पर भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको सिटिंग जो है वो बेहतरीन मिलेगा, साथ साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो चार्जिंग पॉइंट हो, लैपटॉप रखने के लिए स्पेस हो, कंफर्टेबल चेयर हो, वाईफाई हो, साथ साथ पानी की ड्रिंकिंग वाटर हो, बाथरूम की फैसिलिटीज हो, हर कुछ इस लाइब्रेरी में भी यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, जो जनरल कंपटीशन के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या 10th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब घर पर उनको वो पीसफुल एनवायरमेंट नहीं मिलता है। लाइब्रेरी क्या होता है कि यहाँ पर आपको वो पीसफुल एनवायरमेंट मिलता है, वो शांति शांति वाला माहौल मिलता है, शांति वातावरण में बच्चे जो है अपने कंपटीशन की जिस चीज की वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की हो, SSC की हो, रेलवे की हो, UPSC, JPSC जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, वो लाइब्रेरी में आकर बेहतर तरीके से 4 से 5 घंटे 6 घंटे के टाइम यहाँ पर बिता सकते हैं। तो फिलहाल AVS लाइब्रेरी में हम लोग मौजूद है, और आपको यहाँ के जो संचालक है उनसे बात कराते हैं, उनसे जानते हैं कि इस लाइब्रेरी में क्या कुछ सुविधा उपलब्ध है। क्या नाम है भैया पहले, और ये लाइब्रेरी में क्या कुछ फैसिलिटीज आप दे रहे हैं? मैं आनंद राज, आप सभी का जिला टॉप के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं कि गुड्डा की इस धरातल पर हमारा मूल जो उद्देश्य है कि बच्चों तक वो सुविधाएं पहुंचाई जाए जहां से वो तैयारी करके चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे और अपने सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हुए जो है वो अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। यह लाइब्रेरी, चूंकि लाइब्रेरी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि लाइब्रेरी के साथ साथ दिस इज एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर द बेटर टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम हियर। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूंगा कि यह पहले एक इंस्टीट्यूट थी जिसमें से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ से जॉब प्राप्त किए, आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस के नाम से चलता था पहले, और सारे टीचर्स का जॉब हो गया, साथ ही साथ बहुत बच्चों का भी जॉब हुआ। अभी BPSC में, चाहे भी रेलवे में हो या गुंडी में हो, बहुत बच्चों का जॉब हमने यहाँ इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे हमने जो बात बोला कि यह एक लाइब्रेरी नहीं है, दिस इज नॉट ओनली लाइब्रेरी, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, यह एक संस्थान है। और सबसे बड़ी बात जो यूनिक बनाती है हमारे इस संस्थान को, वो यहाँ का एनवायरमेंट है, प्रॉपर गाइडेंस है ना। यहाँ पे आप सभी तमाम विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुशल मार्गदर्शकों के संरक्षण है ना, कुशल जो मार्गदर्शक है हमारे, जो प्रेरणा स्रोत है, जो शिक्षक है, जो यहाँ से अभी तक सरकारी शिक्षक हैं या हमारे संस्थान के टीचर रह चुके हैं, तो उनकी यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है बच्चों को। जहाँ पे उन्हें समस्याएं आती है, उन समस्याओं को भी उन्होंने निजात दिलाते हैं। तो सबसे बड़ी पॉइंट, क्योंकि गुड्डा में तो लाइब्रेरी बहुत है, अन्यत्र लाइब्रेरी है, कोई भी दो AC वगैरह लगा के वो लाइब्रेरी चला रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस है वो चीजें नहीं मिलती है, और वो चीजें हम यहाँ पे प्रॉपर बच्चों को देते हैं। क्योंकि आज का 13 साल का जो तजुर्बा है हमारे साथ, हम बच्चों को शेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे संघर्ष तो करते हैं, उनमें जो खामियां रहती है उन चीजों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उनमें ड्रॉबैक्स वट एवर इन देयर माइंड और इन देयर स्ट्रेटेजीज वी फॉलो है ना, हम लोग चीजों को देखते हैं, चीजों को बताते हैं बच्चों को, ये सारी चीजें हैं। तो सारी चीज तो हर लाइब्रेरी मिल जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर चीज जो नहीं मिलती वो ये है कि हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं बच्चों को, जहां पर उनको दिक्कतें आती उन दिक्कतों का सामना वो करके आगे चीजों को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सारी फैसिलिटी तो है ही, एक प्रॉपर एनवायरमेंट भी है, और ये जो प्रॉपर जगह है, आप हटिया चौक से स्टेट बैंक के बगल से गुड्डा पथवाजों वाली गली से आएंगे और साकेत पूरी फील्ड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे AVS लाइब्रेरी है, आप आइए, यू ऑल स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूशंस। तो आइए, थोड़ा सा हमारे जो सर संचालक है, हमारे विकास सर, इनसे भी थोड़ा सा रूबरू होइए और जानकारी प्राप्त कीजिए। स्वागत है आप लोगों का, जिला टॉप जितने भी व्यूवर्स हैं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम चाहेंगे कि जितने भी आप स्टूडेंट हैं जो कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, या फिर जिनको मतलब घर में वो प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा है, मतलब जिनको घर में डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड किया है। अगर वो जिनको मतलब लगता है कि मतलब समय नहीं मिल पा रहा है, वो क्या करें, हमारे लाइब्रेरी पर वो जरूर उनका स्वागत होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, शहर के शोरगुल से बिल्कुल दूर एकदम शांत वातावरण मिलेगा, फुली AC है,
यहाँ पे आपको आर वाटर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो फी है बिल्कुल अफोर्डेबल फी है, ऐसा नहीं कि मतलब हाई फाई फी नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल फी है। हम चाहेंगे कि जरूर आप लोग आप आके डेमो क्लास करें यहाँ पे, अगर यहाँ का एनवायरमेंट आपको सही लगा तो आप उसे कंटिन्यू कर देंगे इसको। और भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कुछ का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर आती हैं? जनरल कंपटीशन का। तो क्या इस यहाँ का जो वातावरण है वो मतलब जो आप उम्मीद की थी कि इस लाइब्रेरी में वो सारी चीजें मिलेगी? अच्छा माहौल है, प्लस मतलब एज अ गर्ल्स कुछ भी डर वगैरह नहीं लगता, आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर। मतलब माहौल के साथ साथ वो सिक्योरिटी भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। कब से आ रही हैं आप यहाँ? एक मंथ हो गया। एक मंथ हो गया। और भी कुछ है, आप क्या क्या चीज की प्रिपरेशन के लिए आती हैं? बीपीएससी टीचर का। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? आज मेरा फर्स्ट क्लास है। आज फर्स्ट डे। yes, तो फर्स्ट डे अब तक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बेटर ही है। अच्छा, लाइब्रेरी में वो सारी चीजें जो एक्सपेक्ट करती थी वो मिल रही है? यस सर, सारा चीज मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी ठाकुर है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर फिलहाल लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका बास्की है। किस चीज की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ आती हैं? एसएससी का अभी तैयारी कर रही हूँ। एसएससी के बारे में, तो क्या यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज या वो एनवायरनमेंट मिल पा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे सब कुछ हम लोग को मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, जितनी लाइब्रेरी में होनी चाहिए सारी सुविधाएं। एक और चीज यहाँ पर खास चीजें छूट गई, एवीएस लाइब्रेरी। एवीएस का क्या कुछ अर्थ होता है यहाँ पर? जी, एवीएस चूंकि थोड़ा सा हम लोग अध्यात्म में है और चीजों को जानते हैं कि विद्यार्थियों की मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको जो है अध्यात्म से भी जुड़े रहना चाहिए, जिससे उसको अपनी परिकल्पना शक्ति में जो है उन्हें कहीं कहीं सार्थकता की ओर ले जाता है। तो एवीएस जो है, एवीएस ए स्टैंड्स फॉर आनंदेश्वर महादेव, वी स्टैंड्स फॉर वांकटेश्वर महादेव और एस फॉर सोमेश्वर महादेव। ये टोटली महादेव के नाम पे है ना ये संस्था, और उन्हीं के छत्र छाया में ये चल भी रहा है। जैसे कि आप त्रिशूल देख रहे हैं तो ये इसका एक भाव यहाँ पे छुपा हुआ है। त्रिशूल के जो तीनों पेड़ आप देख रहे हैं, तो इसमें पहला सा हमारा बच्चों का संघर्ष है, साथ ही साथ हमारा वातावरण है और हमारे कुशल मार्गदर्शकों का जो है जो मार्गदर्शन होता है वो उनके साथ छुपा हुआ है, और जब तीनों मिल जाता है तो बच्चों को उसकी सफलता, उसकी सार्थकता को प्राप्त कराती है। तो आपने देखा इस लाइब्रेरी में आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही है, चाहे वो पूरा एयर कंडीशनर रूम है, साथ साथ जो सिटिंग कैपेसिटी है यहाँ पर लगभग 40 सिटिंग कैपेसिटी है, वो सारी चीजें मिल रही है, चार्जिंग पॉइंट, आरओ वाटर, साथ साथ वाईफाई जोन है, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ साथ यहाँ के जो संचालक ने बताया कि यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, जो जो और लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगा वो स्पेशल चीज यहाँ पर मिलता है कि प्रॉपर गाइडेंस में जो भी यहाँ पर स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए आते हैं उन्हें इन ये संचालक के द्वारा जो है उन्हें गाइड भी किया जाता है, वो किस ओर जा रहे हैं, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो गाइडेंस भी उनके द्वारा मिलता है। तो जो भी लोग हैं, जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार इस एवीएस लाइब्रेरी में जरूर आइए और यहाँ पर आकर इंक्वायरी कीजिए, और उन्हें लगे कि हाँ यहाँ आना चाहिए तो यहाँ आकर एडमिशन भी कराइए। धन्यवाद।